नागपुर में खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पांच पहले ऑस्ट्रेलिया टीम ने चौथे दिन के स्कोर बिना किसी नुकसान के 13 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन मेहमान टीम को पहला झटका सैमुअल कैटिस के रूप में लगा। ईशांत शर्मा ने आउट किया। इसके बाद कप्तान विजय पोंटिंग अमित मिश्रा की बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत 8 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए माइकल स्टार्क 22 रन बनाकर ईशांत शर्मा का दूसरा शिकार बने। मैच के विश्राम के बाद अमित मिश्रा ने माइक हस्सी को 19 के योग पर चक्का कर भारत को शॉट सफलता दिलाई। इसके तुरंत बाद हरभजन सिंह ने खतरनाक दिखाए को 77 के योग पर कब्जे लेकर रास्ता दिखाया। इसके बाद भारत की पकड़ मैच पर मजबूत होती चली गई और बज्जी और मिश्रा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को कम अंतराल में लगातार झटके दिए और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 209 रनों पर भी आउट हो गई। बज्जी ने 4 और अमित मिश्रा ने 3 विकेट चटकाए। इससे पहले भारत मोहाली में भी ऑस्ट्रेलिया को 320 रनों से करारी शिकस्त दे चुका है। मैन ऑफ द सीरीज रहे ईशांत शर्मा ने सर्वाधिक 15 विकेट लिए। इस तरह 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को किसी टेस्ट सीरीज में मात दी। अब महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया श्रीलंका इंग्लैंड के साथ होने वाले 7 एक दिवसीय मैचों की सीरीज पर है। और नागपुर टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले सौरव गांगुली और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान विकी पोंटिंग ने इस मैच की बात क्या कहा। After the test in Bangalore, I thought we dominated for all three test matches. Yeah, these two are just like, we just entirely outside. With the exception of the first test match where I thought we pretty much dominated that game. You know, in any other game, we got back to level in the game and never really got in front. And, you know, losing three crosses in a row, we don't actually get yourself back in front in the game after the first inning. इस शानदार जीत के साथ भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ कर दूसरे स्थान पर आ गई है। भारत के खाते में कुल 116 रेटिंग पॉइंट है। 1999 में श्रीलंका के बारिश से प्रभावित हुए दौरे के बाद ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया बिना कोई मैच जीते कोई सीरीज हार गया। वहीं 2001 के बाद ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया किसी सीरीज में कोई टेस्ट नहीं जीत पाया है। इस हार से ऑस्ट्रेलिया ने 9 रेटिंग पॉइंट कमा लिए हैं। इस हार के अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बुरी खबर है कि स्लो वर्ल्ड डेट के कारण और आईसीसी द्वारा नियुक्त मैचेसी क्रिस बॉन्ड ने ऑस्ट्रेलिया टीम पर जुर्माना लगाया है। जुर्माने के तौर पर कप्तान विकी पोंटिंग की 20% और अन्य खिलाड़ियों की 10% मैच की फीस काटी गई है। और तमाम खेल खबरों पर विशेषकर क्रिकेट की तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मशहूर क्रिकेट कमेंट्रेटर श्री गुरप्रीत सिंह।